आज के दिन सुबह सुबह हमारे चिरायू के जो गेस्ट हाउस था वहाँ सारे डॉक्टरों को एकत्रित किया गया, सब लोग इकट्ठे हुए वहाँ पे। हम लोगों ने सबने एक साथ चाय नाश्ता किया, उसके साथ हम लोगों ने अपनी अपनी टीम, अपने अपने डिपार्टमेंट संबंधित टीमों को इकट्ठा किया और हम लोगों ने वहाँ से एक एक करके नाश्ते के बाद सब लोगों के साथ गाड़ियाँ वहाँ से रवाना हुई। गाँव के मरीज़ हैं, जो लोग अस्पताल तक, जो शहर तक आ ना पाते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बहुत ज़्यादा मूवमेंट, उनके लिए मधुसूदनगढ़ में एक अलग अलग विधि और अलग अलग सब्जेक्ट के सभी डॉक्टरों द्वारा एक मेडिकल कैंप यहाँ मधुसूदनगढ़ में किया गया। मेरा विशेष रूप से मेरा डेंटल से रिलेटेड डिपार्टमेंट था और जैसा कि मैंने बाकी डिपार्टमेंट को भी देखा कि सभी डिपार्टमेंट में भरपूर मरीजों की आवक थी। बहुत बड़ी सुविधा है कि कितने सारे विलेज यहाँ कवर हो रहे हैं और डॉक्टरों की एक्सपर्ट टीम आई हुई है और वो जो टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमारे एक्सपर्ट बच्चे हैं, पूरे टेक्नीशियंस आए हुए हैं, डॉक्टर्स आए हुए हैं, तो वो टेस्ट प्रोवाइड कर देते हैं 2 आवर्स में, तो ये फिर जाके डॉक्टर को दिखा पा रहे हैं मरीज। तो मेरे लिए लगता है कि इससे अच्छा अप्रोच कुछ नहीं हो सकता है। इट्स अ बिग कैंप एंड मेनी पेशेंट्स, थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स आर कमिंग हियर। Big brand brought most of the instruments that are possible, and with the help of those instruments we are trying to diagnose the patients. We have screened the patients, we have already seen more than 1,000 patients here. Many patients with rare disease were diagnosed. We are providing free medications to the OPD patients, and we are taking serious patients to our Chirayu Medical College for proper management there. लक्ष्मण सिंह जी जो वहाँ के विधायक हैं, सपत्नी वहाँ पे पधारे, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया। देखिए गांव में एक तो क्या होता है कि इलाज महंगा होता है, डर के मारे लोग इलाज नहीं कराते। अब एक एक्सरे कराना है तो क्या 800 रुपये, यार एक्सरे में कौन लगाएगा? तो 800 रुपये बचा के वो माँ अपने बच्चों को दे देती है जबकि वो खुद बीमार रहती है। तो अब यहाँ निःशुल्क इलाज हो रहा है तो कई महिलाएं आपने देखी आई हैं जो अगर ये शिविर नहीं होता तो अस्पताल कभी नहीं जाती, क्योंकि ये उनके एक त्याग की भावना होती है महिलाओं की, बुजुर्गों की, कि भाई बच्चों को सब करते जाओ, हम तो जैसे हैं सो हैं, हमारे कितने दिन हैं, इस तरह की भावना रहती है। तो भाई हम चाहते हैं कि बुजुर्ग भी स्वस्थ रहें, इसलिए ये शिविर करा। हम लोग यहाँ पर जितने भी नाकन गला से संबंधित रोगों से पीड़ित मरीज आ रहे हैं उनको हम मशीन के द्वारा जांच कर रहे हैं और जितना यहाँ पर संभव हो सके इलाज दे रहे हैं, और उसके बाद में जिसमें इससे भी ज़्यादा आगे की जांच है तो उसकी उनको सुविधा मुहैया करा रहे हैं। मकसूदनगढ़ कैंप से हम लोगों ने आँखों के लिए लगभग 600 से 700 मरीजों को देखा।
अन्य मरीजों की निःशुल्क जांचें की गईं, उनको एग्जामिन किया और उनको दवाइयां निःशुल्क वितरित की। यहाँ पर हम लोग ऑर्थोपेडिक्स में लगभग सारा ही काम कर रहे हैं जो कि दुनिया के बड़े से बड़े सेंटर में पॉसिबल है। पहली बार ऐसा हुआ है कि अस्पताल मरीज के पास गया है, वरना हर बार अस्पताल में ही मरीज को आना पड़ता है। हम भी जाता नहीं, बस साथ में गए थे तो खाना अपने साथ में उनको भी मिला, हमको भी मिला, जैसे मेहमानों की तरह खाना मिला। बबर सिस्टम दिया तो उन्होंने, कुछ भी खाओ कुछ भी करो, मतलब कोई रोक टोक नहीं थी वहाँ पे। आज सुबह से हम लोग पेशेंट देख रहे हैं तो काफ़ी सारे पेशेंट आए हैं, मुझे लगता है लगभग 6000 या उससे ऊपर पेशेंट रहे होंगे, जिसमें से सर्जरी के भी लगभग 500 के लगभग पेशेंट रहे हैं। माइक्रोबायोलॉजी से हम सारी सीरोलॉजी टेस्ट कर रहे हैं, HIV, HBsAg, SCV और ये जाँचें हम पेशेंट्स को हाथ के हाथ जितनी जल्द से जल्द हो सके हम उनको प्रोवाइड करा रहे हैं। Organized. We are all so grateful and thankful that people like Dr. Goenka exist, you know, in our society. And he's a wonderful human being, great doctor. And also thank you to all the people of Matsudangarh, Chachora, all over the place for actually having the guts to turn up, because a lot of people are very frightened, you know, when they hear anything to do with medicine, to do with doctor. But they've all shown their guts and they've all come out, and we're all very, very grateful for that. मेरा नाम कुलदीप गुप्ता है, मैं मकसूदनगढ़ का ही रहने वाला हूँ, और आज ये कैंप 15 तारीख को था तो हम लोग यहाँ दिखाने आए थे, और ये बहुत अच्छी व्यवस्था है, इस तरह के काम होते रहना चाहिए। इसमें बहुत सारे पेशेंट यहाँ से, करीब 7 बसें में पेशेंट भोपाल गए हैं और चिरायू हॉस्पिटल में उनका इलाज होगा निःशुल्क शासन की तरफ से। हमारा माननीय विधायक महोदय और माननीय श्री अजय गोयनका जी से निवेदन है कि अक्सर ऐसे कैंप होते रहें जिससे आम जनता और निचले जो जेन्युइन पेशेंट हैं उन तक लाभ पहुँचता रहे। ये मधुसूदनगढ़ जो क्षेत्र है, ये यहाँ से सारा जंगल का एरिया लगा है, स्वास्थ्य सुविधाओं की बहुत कमी है और दूर दूर तक कोई अस्पताल अच्छा नहीं है, तो यहाँ बहुत आवश्यक था। और हमने डॉक्टर गोयनका से निवेदन किया और हम आभारी हैं उनके, सारी टीम लेकर आए और एक बहुत सफल कैंप हुआ, आपने भी देखा। इतने मरीजों को देख के हम लोगों ने बहुत ऐसा लगा कि हमारे प्रयास सफल हुए, क्योंकि इतनी मेहनत करके बाद हम लोग यहाँ आए और मरीज उसका फ़ायदा ना उठा पाए तो ये हम लोगों को बड़ा अफसोस होता है, जो कि इस बार बिल्कुल नहीं हुआ। हम लोग बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं कि हमारी सेवाओं का भरपूर लाभ यहाँ पर लिया गया। हमने लगभग कम से कम 800 मरीज देखे वहाँ पर जो स्त्री रोग वाले थे, उनमें से 50 मरीज हम लोगों ने चिन्हित किए जिनको हम लोग चिरायू मेडिकल कॉलेज लेके आए। हम लोग जब मकसूदनगढ़ पहुँचे तो वहाँ पर हमको कई सारे पेशेंट्स ऐसे मिले जिनको TB था, COPD था, अस्थमा था और लंग कैंसर भी था, जिनको हम चिरायू मेडिकल कॉलेज लाए। चूँकि वहाँ बहुत सुविधाएँ नहीं है, इसलिए हमने काफ़ी मरीजों को लाकर यहीं पर इलाज किया, और जो दिल की बीमारी और अन्य सर्जरी की ज़रूरत थी उनकी यहाँ पर हमने उनकी सर्जरी करा दी। चिरायू मेडिकल कॉलेज की ये खासियत है कि एक ही रूफ के अंदर उन्हें पूरा, मतलब जो भी पेशेंट अगर आएगा
आपको उसकी डायग्नोसिस भी बनेगी, ट्रीटमेंट भी बनेगा और फॉलोअप भी करेगा। तो एक ही छत के नीचे पेशेंट्स भी बहुत सेटिस्फाई होके गए। करीब 500 लोगों का वहाँ पे ओपीडी देखी गई और वहाँ से जो स्क्रीनिंग के बाद इको और ईसीजी स्क्रीनिंग के बाद जो पेशेंट जिनका ऑपरेशन करना था उनको भी यहाँ पे लाके उनका उपचार किया गया जो कि निःशुल्क था। मधुसूदनगढ़ का जो हमने कैंप किया उसमें बहुत से ऐसे पेशेंट हमें मिले जिनको कैंसर था, काफ़ी एडवांस स्टेज में था, तो ऐसे पेशेंट्स को हम वहाँ से लेके आए। कैंसर को ट्रीट करने के लिए जो भी सिकाई की व्यवस्थाएँ, रेडियोथेरेपी की मशीन्स, कीमोथेरेपी की सुविधाएँ और ऑपरेशन की सुविधाएँ सब हमारे पास हैं और सारे पेशेंट्स को हम पूरा इलाज करके यहाँ से भेजेंगे और उनका फॉलोअप भी करेंगे। इस चिकित्सा शिविर में लगभग 6,500 लोगों ने भाग लिया जिनकी निःशुल्क दवाई, निःशुल्क चिकित्सा, बाकी इन्वेस्टिगेशन जिसमें एक्सरे, रेडियोलॉजी, इको और पैथोलॉजिकल टेस्ट, ये सारे निःशुल्क कराए गए थे। सारी विधि विधाओं के डॉक्टरों द्वारा ये कैंप जिसमें 6,500 मरीज यहाँ पर आए, 400 के करीब मरीजों को भोपाल भेजा गया, इन सब का ऑपरेशन निःशुल्क किया जाएगा और वापस भेजने की व्यवस्था की जाएगी। माननीय विधायक लक्ष्मण सिंह जी साहब का धन्यवाद, बहुत बहुत मधुसूदनगढ़ का धन्यवाद। भविष्य में निरंतर चिरायु मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भोपाल इसी तरीके के कैंप्स का आयोजन करता रहेगा जिसमें कि अस्पताल खुद चल के मरीज के पास जाएगा और इलाज कराएगा। जहां दुर्गम प्रदेशों में जहां पे इलाज नहीं हो सकता है, जहां पे सुविधाएं नहीं है, वहां अस्पताल चिरायु मेडिकल कॉलेज अस्पताल स्वतः पहुँचेगा। एंड इन द एंड ऑफ दिस मधुसूदन का कैंप I should be especially thankful to Shri Lakshman Singh Ji, MLA, Chachora, to give us an opportunity of reaching to all those patients who were needy in this area.